गाइस, मैं हूँ ब्रज वर्मा और मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में मेरा यूनिट 5 का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। सो पूरे ग्रुप ने, पूरे टीम ने मिलके हमने कैसा प्रोजेक्ट बनाया और उसकी क्या क्या फंक्शनलिटीज हमने डेवलप करी। सो गाइस, हमारे यूनिट 5 के कंस्ट्रक्ट वीक में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया वो है रिलायंस डिजिटल। उसका हमें अलग लोगो देना था और अलग नाम देना था, तो हमने उसे दिया डिजिटल एक्सप्रेस। ये हमारा टीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो हमने 5 लोगों ने मिलकर बनाया है। सो इसमें मेरा काम क्या था? मेरा था प्रोडक्ट पेज बनाना, प्रोडक्ट पेज विथ कैटेगरीज। सारी कैटेगरी बनानी थी, ये सब कैटेगरीज, ओके, एंड फिल्टर्स बनाने थे। इसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज वर्क करती कर रही है और कैसा कैसा बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका कुछ होम पेज, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको, ओके, होम पेज एंड मेनू बार जो आपको ऊपर दिख रहा है। देन आप देखोगे कि नीचे में फुटर, ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है स्टार्टिंग वाला। और अगर आप क्लिक करते हो किसी भी कैटेगरीज पर तो आपको ये स्केलेटन भी हमने लगाया है कि जब लोडिंग होगा तो लोडिंग के ड्यूरेशन में आपको उस चीज का पर्टिकुलर स्केलेटन दिखेगा। और जब आप अगर आपको ऑडियोज या हेडफोन्स करना है तो ये यहाँ पर फिल्टर्स है, लाइक रिलेवेंट और लो टू हाई टू लो आप कर सकते हो यहाँ से। देन ओके, तो अगर आप कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हो इस पर्टिकुलर कैटेगरीज को तो यहाँ पे दिखाता है कितने रिजल्ट हैं और क्या है, ओके। सो ये पार्ट मेरा था, प्रोडक्ट पेज और सॉर्टिंग वगैरह। ऐड करने की का ट्राई करता हूँ कार्ड में, लाइक ये मैंने फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, फिर मैं जाऊंगा कार्ड में और आपको लॉगिन फंक्शनलिटीज भी दिखा देता हूँ। अब अगर इसको हम चेकआउट करते हैं, पहले मुझे पहले यूजर साइड देख लेते हैं। लॉगिन एज यूजर, तो मैंने अकाउंट इस पे बनाया नहीं है, तो मैं इसमें मेरा अकाउंट अगर बनाता हूँ, ब्रज क्या बनाता हूँ, ब्रज वर्मा @gmail.com। देन पासवर्ड सेट करता हूँ मैं 1234, ओके। सो रजिस्टर एज यूजर, तो ये आपको अलर्ट दिख गई वर्मा, ये कुछ मैंने ईमेल डाली थी gmail.com, ओके। पासवर्ड कुछ कुछ थे मेरे 1234। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड गलत है क्या? 1234, ठीक है, लॉगिन हो गया। यहाँ पे अलर्ट भी आपको दिख रही है और फिर मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पर, लैंडिंग पेज पर। ये थी लॉगिन फंक्शनलिटी। टीम लीडर थे मुकेश भाई, तो मुकेश ने बनाया ये। मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसलिए, क्योंकि यहाँ से लॉगिन एज एडमिन जब करते हो तो यहाँ पे मतलब लॉगिन जो है ना, लाइक एडमिन का ईमेल एड्रेस मांगता है। फिर यहाँ पर होम पेज है, कितने प्रोडक्ट है, कितने अंडर रिव्यू है और कितने को रिव्यू मतलब पास नहीं हुआ है जिनका। और अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहो तो यहाँ से मस्त ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, लाइक उसे नाम देता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप। और अपने लैपटॉप से एक इमेज ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर इसका प्राइस देता हूँ 12,000 देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस और एमआरपी दे देते हैं 15,000, जो भी है। डिस्काउंट हम 3,000 का कर देते हैं, जो भी हमने एडिशनल। ब्रांड नेम मैं कर देता हूँ HP, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, यहाँ पे अलर्ट भी शो हो गए। लॉगिन, लॉगिन एज एडमिन। यहाँ पर 25 प्रोडक्ट्स हैं, 25 प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते प्रोडक्ट, हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया क्या वो ऐड हो गया या नहीं। मे बी इट नीड अ रिफ्रेश, इट नीड्स अ रिफ्रेश। ओके, ये मैंने ऐड किया था लैपटॉप, उसके नाम दिया था, ब्रांड मैंने HP दिया था और यहाँ पर ये प्राइस रखी थी। ऐड हो गया ना, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। लैपटॉप हैज बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन बस थोड़ा इतना है कि अपन को उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो उसे हम रिफ्रेश करेंगे। ये रिमूव भी हो गया, मतलब एडमिन फंक्शनलिटी भी मस्त काम कर रही है गाइस। फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हो, फोन में कुछ ऐसी दिखेगी, फिर थोड़ी बड़ी स्क्रीन होगी तो कुछ ऐसी दिखेगी, फिर थोड़ी बड़ी स्क्रीन होगी तो ऐसी दिखेगी। तो देख सकते हो आपकी वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं ये फोन व्यू खोलता हूँ, फोन व्यू खोलने के बाद अगर मैं खोलता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट पेज, यहाँ पर अगर ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, प्लीज
कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि हमने वेबसाइट कैसी बनाई है, और अगर कुछ कमी है तो क्या कमी है वो हम और ऐड कर सकते हैं, तो सजेशन भी आप दे सकते हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.